नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, विविधता से डरने की नहीं सम्मान करने की आवश्यकता है। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। विविधताओं से डरने की कोई बात नहीं, विविधताओं का स्वीकार करो। सभी विविधताएं सत्य है, विविधताओं का उत्सव मनाओ। अपनी अपनी विविधता पर पक्का रहो, विशिष्टता पर पक्का रहो, सबकी विविधता का सम्मान करो, मिलजुल कर साथ चलो। ये दूसरा समन्वय का मूल्य वो अपनी परंपरा में, और सबके साथ मिलकर चलना है तो अपने ऊपर बंधन लाना पड़ता है। मुझे अकेला खाना है तो सब कुछ खा जाऊंगा, लेकिन और 10 लोग खाने वाले हैं तो सबका हुआ कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए संयम का तीसरा मूल्य है, और ऐसा जीवन जीना है तो छोड़ने की आदत चाहिए। सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। और सब कुछ चाहिए में चाहत कभी समाप्त नहीं होती, ये सबने कहा है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, हम समाप्त हो जाते, तृष्णा चलते रहती है। तो त्याग पूर्वक जीना पड़ेगा। अपनी जरूरतें कम करते जाओ, कम करते जाओ, किसी चीज की जरूरत न रहे, ऐसा जीवन बहुत अच्छा जीवन, संन्यास का जीवन। और संपूर्ण अस्तित्व उसके तुम एक अंग हो, तुम्हारा निर्माण उस संपूर्ण अस्तित्व के योगदान के कारण हुआ है। ये तो अपना अनुभव है। देह मुझे माता पिता के कारण मिला, संस्कार मुझे परिवार के कारण, समाज के कारण, विद्यालय गुरुओं के कारण मिले। कपड़ा पहनता हूं तो कहीं मिल चलती है, कहीं कोई बुनता है, किसान कपास खेती करता है इसलिए होता है, खाना पीना इसीलिए मिलता है। मैं अकेला होता तो मैं जी भी नहीं सकता, मनुष्य अकेला नहीं जी सकता, और मनुष्य के जीने में सबका योगदान होता है। तो ये समझो कि आप इस सृष्टि का एक अविभाज्य अंग हो, उसमें आपको योगदान करना है, उसके प्रति कृतज्ञ रहो। ये कृतज्ञता का पांचवा मूल्य। ये पांच बातें सर्वत्र भारत से निकले हुए सब विचारों में मिलती है। वो एक क्या है, इसका दर्शन जब शुरू होता है तब फिर वो अलग अलग है। कोई इसको जड़ मानता है, कोई उसको चेतन मानता है, कोई उसको ईश्वर मानता है, कोई उसको और कुछ मानता है। परस्पर विरोध भी है, खंडन मंडन भी चलता रहा है, लेकिन कभी भी समाप्ति किसी की किसी ने नहीं की। सब लोग साथ चले, शास्त्रार्थ चलते रहे। अयोध्या में 800 बीघे में बनकर तैयार होगी सीता झील। 2.5 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी होगी मनमोहक झील। अयोध्या के पश्चिमी शोर को भव्य बनाने के लिए सीता झील का निर्माण किया जाएगा। इस झील का निर्माण अफीम कोठी से ब्रह्मकुंड तक होना है। 2.5 किलोमीटर लंबी और 300 मीटर चौड़ी झील के निर्माण को लेकर शासन से मंजूरी मिलने के बाद मिट्टी की खुदाई का काम जल्द शुरू होगा। 800 बीघा जमीन में बनने वाली यह झील सरयू की अविरल जलधारा से भी जुड़ेगी। झील को लेकर मानचित्र भी तैयार हो गया है। सहारनपुर में जंगल से चारा लेने गई किशोरी से मुस्लिम युवक ने तमंचे के बल पर किया दुष्कर्म। सहारनपुर में जंगल से चारा लेने गई किशोरी से मुस्लिम युवक ने तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता की विधवा मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पर पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शिष्या के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। शिक्षक मंजूर अंसारी को आजीवन कारावास के साथ ही 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा। गाजीपुर सत्र व जिला न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने एक बार फिर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 2016 में शिष्या से दुष्कर्म मामले में गाजीपुर के शिक्षक मंजूर अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सबूतों के आधार पर अभियुक्त मंजूर अंसारी की मां हलीकुन निशा को भी दोषी पाया गया, और उस पर भी 5,000 का अर्थदंड लगाते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। फैसला आने के बाद पुलिस ने दोनों मुजरिम मां बेटे को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बता दें कि करीमुद्दीनपुर के एक गांव का युवक मंजूर अंसारी एक हिंदू लड़की को ट्यूशन व स्कूल में पढ़ाता था, जो उसे बहला फुसला कर लव जिहाद का शिकार बनाकर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले में कार्रवाई की है।
बदायूं के लौची नगला में मुसलमानों ने बंद किया मंदिर जाने का रास्ता। बदायूं के मोहल्ला लौची नगला में एक बार फिर मुस्लिम समुदाय द्वारा मंदिर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस कारण लोगों को 1 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है। मौजूदा हालात से तनाव की स्थिति है और लोग विरोध में उतर आए हैं। प्रशासन से भूमाफियाओं से मंदिर का रास्ता मुक्त कराने की मांग उठाई है। बरेली के मझुआ हेतराम गांव में भाजपा बूथ अध्यक्ष के घर पथराव का मामला सामने आया है। मझुआ हेतराम गांव में करीब 75% जनसंख्या मुस्लिम है व अन्य हिंदू हैं। यहां रहने वाले जोगेंद्र कुमार भाजपा के बूथ अध्यक्ष जबकि उनकी पत्नी रीना क्षेत्र पंचायत सदस्य है। जोगेंद्र ने बताया कि प्रधान रुखसाना बेगम का पति अब्दुल हमीद राजनीति वर्चस्व के चलते रंजिश रखता है। उसके परिवार के लोग आए दिन हिंदू परिवारों पर तंज कसते हैं। जोगेंद्र कुमार के घर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। वहीं हमलावरों ने कैराना बंगाल की तरह ही यहां से भी हिंदुओं को भगा देने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस दो पक्षों का विवाद मानकर जांच कर रही है लेकिन माहौल अत्यंत तनावपूर्ण है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। हृदय गति रुकने से हो रही मौतों के कारण उठाया गया बड़ा कदम। अब 50 से अधिक उम्र के श्रद्धालु स्वास्थ्य जांच के बाद ही जा सकेंगे केदारनाथ। लखनऊ में भव्य लक्ष्मण मंदिर बनाने की तैयारी। 151 फीट ऊंची होगी प्रतिमा। केदारनाथ धाम के दर्शन को 8 दिन की वेटिंग। सभी धामों के लिए अब तक 12,34,898 पंजीकरण। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में कमरों का सर्वे पूरा। रहे रक्षा के कड़े इंतजाम। श्री हेमकुंड साहिब के लिए 19 मई को रवाना होगा पहला जत्था। 22 मई को खोले जाएंगे कपाट। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ताजमहल के बंद दरवाजे खुलवा दीजिए, इसके शोध के लिए लंदन या पेरिस जाने की जरूरत नहीं। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर के बाद अवैध मजार व दरगाहों को हटाने की उठी मांग। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।